हेलो दोस्तों, इस टारगेट स्टडी पॉइंट में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मिस्टर मंजीत सिंह और आज आपके लिए लाया हूं एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन एस्टिमेटिंग का यू सेक्शन। आप इसे सीधा कर दीजिए, रोटेट करेंगे तो कैसा देखने में लगेगा, यू टाइप का दिखेगा। तो इसे यू सेक्शन बोलते हैं या आप कह सकते हैं थ्री वॉल टाइप का। ठीक है, ये थ्री वॉल है आपका, तीन दीवार का एस्टीमेट हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो पहले जैसे हम लोग सिंगल वॉल का निकाले हैं, डबल वॉल का निकाल चुके हैं, इसी प्रकार तीन वॉल का निकालेंगे हम। थ्री वॉल का एस्टीमेट कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से जैसे हम लोग निकालते चले आए हैं वैसे आज इसको भी सॉल्व करेंगे। एक बार देख लेते हैं कैसे ये फिगर बना हुआ है। ये है प्लान आपका, यानी टॉप व्यू से देखने पे आपको इस टाइप का ये दिखेगा। यहाँ पर देखिए तीन वॉल है, तीन दीवार बने हुए हैं। एक वॉल ये है जिसका लेंथ है 6 मीटर। कितना है ये, 6 मीटर है यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरे वाले वॉल की लेंथ कितनी है, 4 मीटर, और तीसरे वॉल की लेंथ कितनी है, 4 मीटर। यानी यहां पर क्या है कि आपके पास दो दीवार हैं जिनका लेंथ सेम है, 4 मीटर है, और एक वॉल है आपका 6 मीटर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एक तो लॉन्ग वॉल है और दो शॉर्ट वॉल है। ठीक है, लेकिन यहां पर देखिए इन तीनों वॉल का जो थिकनेस है वो 0.3 मीटर है, यानी तीनों वॉल का जो क्रॉस सेक्शन होगा वो एक ही होगा, बिल्कुल सेम होगा, जो कि बगल में आपका ये क्रॉस सेक्शन बना हुआ है। तो तीनों वॉल का क्रॉस सेक्शन सेम है, क्यों, क्योंकि तीनों का थिकनेस एक ही है, सेम है थिकनेस 0.3 मीटर। तो क्रॉस सेक्शन कैसा बना हुआ है इसको देख लेते हैं। इस वॉल को बनाने के लिए जब फाउंडेशन बनाया गया है तो वहां पर ब्रिथ ज्यादा लेके चले हैं। दीवार का थिकनेस तो 0.3 मीटर है लेकिन फाउंडेशन का ब्रिथ कितना है, 1 मीटर है। 1 मीटर का मतलब क्या है कि इस 1 मीटर में से हम माइनस कर देंगे 0.3 मीटर, तो कितना हो जाएगा, 1 मीटर में से 0.3 मीटर माइनस करेंगे तो होगा 0.7 मीटर। 0.7 मीटर, यानी 0.7 का मतलब है एक तरफ आपका 0.35 है और दूसरी तरफ, यानी यहां से देखा जाए तो यहां से इसके बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 0.35 सेंटीमीटर है और 0.35 सेंटीमीटर आपका इधर भी है, यानी 35-35 सेंटीमीटर वॉल के फेस से आउटर की तरफ मिट्टी की खुदाई किया गया है फाउंडेशन बनाने के लिए। यहां पर देखा जाए तो जब इस वॉल को बनाने के लिए जब फाउंडेशन बनाया जा रहा था और फाउंडेशन के लिए जब मिट्टी की खुदाई की जा रही थी तो कितना लेंथ एक्स्ट्रा लेके चले थे, ये वाला जो फेस है आपका, इस फेस से 35 सेंटीमीटर इधर, यहां से 35 सेंटीमीटर नीचे, 35 सेंटीमीटर इधर, 35 सेंटीमीटर इधर, और यहां से 35 सेंटीमीटर इधर। इस वॉल के इंटरनल और आउटर दोनों फेस से 35-35 सेंटीमीटर चारों साइड में मिट्टी की खुदाई एक्स्ट्रा किया गया है। क्यों, क्योंकि फाउंडेशन में उसका ब्रिथ ज्यादा है, 1 मीटर है। आई बात समझ में, तो ये बात आपको माइंड में रखना है कि इस वॉल के फेस से चाहे वो अंदर का फेस है और चाहे वो बाहर का फेस है 35 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेकर के मिट्टी की खुदाई किया गया है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब निकालना। अब हमें सब कुछ समझ में आ गया है। वैसे देख लीजिए यहाँ पर क्या है, 1 मीटर ब्रिथ फाउंडेशन का है और जीएल लाइन तक मिट्टी की खुदाई किया गया है। तो ये पूरा हम डेप्थ प्लस कर लेंगे, हमें मालूम चल जाएगा कि मिट्टी की खुदाई की गहराई कितनी है। उसके बाद क्या किया गया है कि इस पूरे 1 मीटर के ब्रिथ में 0.3 मीटर के डेप्थ का
सीमेंट कंक्रीट किया गया है। क्या किया गया है? सीमेंट कंक्रीट किया गया, उस पूरे एरिया में सीमेंट कंक्रीट किया गया है जितना एरिया तक मिट्टी की खुदाई किया गया है। उसके बाद क्या किया गया है? ब्रिक वर्क है ये ब्रिक वर्क देखिए, फाउंडेशन में तीन ऑफसेट में किया गया है। पहला ऑफसेट 0.8 मीटर ब्रिथ का है और हाइट 0.2 मीटर है। उसके बाद सेकेंड ऑफसेट में 0.6 मीटर ब्रिथ है और 0.2 मीटर इसका हाइट है। तीसरे ऑफसेट में 0.4 मीटर का ब्रिथ है और 0.4 मीटर का हाइट है। उसके बाद सुपर स्ट्रक्चर जब बनाया गया तो फिर ऑफसेट दे दिया गया 0.3 मीटर के ब्रिथ में 3.5 मीटर का हाइट है। समझ में आ गया आपको? ओके, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ अब। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे अर्थवर्क। क्या निकालूंगा मैं? अर्थवर्क। जब अर्थवर्क निकालेंगे तो यहाँ पर एक तो हमें लिखना होगा लॉन्ग वॉल, लॉन्ग वॉल के लिए देखिए अर्थवर्क कितना करना होगा। देखिए ये 6 मीटर लंबी वॉल है इसलिए हमने इसका नाम लॉन्ग वॉल दे दिया, और ये 4 मीटर है इसलिए इसका नाम मैंने शॉर्ट वॉल दे दिया। अच्छा एक चीज और, एक काम कीजिए, ये पूरा 6 मीटर है ना आपका और ये 4 मीटर है, तो इसको ऐसे लाइन मिला लीजिए ऐसे। अब आपके जो शॉर्ट वॉल की लंबाई है ना, वो लंबाई कितना हो गया? इस 4 मीटर में से 0.3 मीटर माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 3.7 मीटर, यानी इसका लंबाई है आपका 3.7 मीटर। यहां भी हो जाएगा 3.7 मीटर, ठीक है। तो लॉन्ग वॉल कितने हैं, नंबर ऑफ लॉन्ग वॉल कितने हैं आपके पास? एक है, तो नंबर्स ऑफ वॉल में लिखेंगे एक। मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था कि देखिए आपको तीन चीज निकालना है, एल बी और डी, और तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे एल इंटू बी इंटू डी, तो क्या निकल जाएगा? क्वांटिटी, और इसी क्वांटिटी को कहते हैं एस्टिमेटिंग। जब भी आप लेंथ निकालेंगे तो हमेशा इस प्लान से निकालेंगे लेंथ है आप, प्लान से क्या निकालेंगे? लेंथ। बी और डी कहां से निकालेंगे? बी और डी आप यहां से निकालेंगे, यानी क्रॉस सेक्शन से निकालेंगे। आप लोग को प्रॉब्लम कहां होता है एस्टिमेटिंग निकालने में? केवल लेंथ निकालने में होता है, बी और डी निकालने में नहीं होता है, क्योंकि बी और डी जो है वो साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है क्रॉस सेक्शन में कि किस पर्टिकुलर वर्क के लिए कितना बी है और कितना डी है। केवल प्रॉब्लम आपको हो सकता है किसमें? केवल लेंथ निकालने में प्रॉब्लम आपका हो सकता है, बाकी बी और डी निकालने में नहीं है। तो चलिए मैं ये प्रॉब्लम भी आपका सॉर्ट आउट कर दे रहा हूं जो लेंथ निकालने में होगा। तो आपका हो जाएगा लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल एल। कैसे निकालेंगे देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से हमें लगाना है। मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में भी बता चुका हूं कि इस फिगर को, ये फिगर कंप्लीट नहीं है। अगर आप इस फिगर को पूरा कंप्लीट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? देखिए ये जो प्लान दिया गया है वो यहाँ का बना हुआ है 0.3 का, ये फिर हम एक ऑफसेट यहाँ का बनाएंगे तो एक ऐसे लाइन और खींचना पड़ेगा हमें, फिर यहाँ का एक एक ऑफसेट यहाँ पर है ये बनाना पड़ेगा, फिर ये बनाना पड़ेगा, फिर ये बनाना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 चार लाइन हमें और खींचना होगा ऐसे चारों साइड में, तो ये फिगर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और हमें सॉल्व करने में भी दिक्कत होगा। इसलिए हम फिगर को बस इतना ही रहने देंगे और आपको समझा देंगे कि हम क्यों ऐसा सॉल्व कर रहे हैं, यहीं पे आपको समझ में आ जाएगा।
तो लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल कैसे निकालेंगे, देखिए इसका तरीका यह है कि जो लॉन्ग वॉल का लेंथ दिया गया है 6 मीटर, वो 6 मीटर आप यहां पर लिख लीजिए। आई बात समझ में? जो लेंथ वॉल लॉन्ग वॉल का लेंथ दिया गया है वो आप लिख लीजिए 6 मीटर। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए हमें अर्थवर्क निकालना है ना, तो अर्थवर्क का देखिए वृत्त कितना दिया गया है, वृत्त दिया गया है 1 मीटर, तो इस 1 मीटर में से माइनस कर दीजिए 0.3 मीटर। हमेशा 0.3 मीटर ही माइनस किया जाएगा, किसमें से, पर्टिकुलर वर्क में से। अब हमारा अर्थवर्क का चल रहा है इस समय, तो अर्थवर्क का वृत्त कितना है, 1 मीटर है, तो इस 1 मीटर में से माइनस क्या करेंगे आप, 0.3 मीटर, तो कितना आ जाएगा ये 0.7 मीटर। यही 0.7 मीटर आप यहां प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 6.7 मीटर। आया कि नहीं समझ में? जो भी पर्टिकुलर वर्क आप यहां पे निकालेंगे उसके वृत्त में से 0.3 माइनस कर देंगे, जो आएगा आपका वही लॉन्ग वॉल के लेंथ में आप क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो ये हो गया आपका 6.7 मीटर। बी और डी कहां से ले लेंगे आप, क्रॉस सेक्शन से। बी कितना है, 1 मीटर, और डी कितना है, मिट्टी की जब खुदाई किया जाएगा तो जीएल लाइन के नीचे तक किया जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, 2, 5, 2, 7, 4, 11, यानी 1.1 मीटर इसका पूरा डेप्थ है। आया समझ में दोस्तों? अब चलते हैं शॉर्ट वॉल की तरफ। शॉर्ट वॉल कितने हैं आपके पास, देखिए शॉर्ट वॉल एक तो ये है और दूसरा ये है, दोनों का लेंथ सेम है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, 2। अब इसका लंबाई, अगर ये लेंथ आपको समझ में आ गया शॉर्ट वॉल का लेंथ निकालना, तो ये आप समझ के चलिए कि आपको पूरा इस क्वेश्चन का एस्टिमेटिंग आपको निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, बस ये लेंथ आपको समझ में आ जाए, जो शॉर्ट वॉल का मैं लेंथ निकालने जा रहा हूं और जो मैं आपको समझाऊंगा बिल्कुल ध्यान से समझेंगे आप। लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल L इज इक्वल टू, तो पहले क्या काम करेंगे आप, जितना शॉर्ट वॉल का लेंथ दिया गया है उसे आप लिख लेंगे। अब यहां कितना प्लस करना है कितना माइनस करना है वो आप देखेंगे, ठीक है, ध्यान से समझिए आप। ये है आपका लॉन्ग वॉल जिसका लेंथ कितना है, 6 मीटर, तो हमने क्या किया था, 35, मैंने आपसे स्टार्टिंग में बताया कि 35 सेंटीमीटर इधर 35 सेंटीमीटर इधर 35 सेंटीमीटर इधर और 35 सेंटीमीटर इधर मिट्टी की खुदाई एक्स्ट्रा किया गया है वो, ठीक है। 35 क्यों किया गया है, भाई पूरा वृत्त कितना है, 1 मीटर है, तो देखिए 0.3 मीटर ये है यानी 30 सेंटीमीटर ये है, 35 इधर और 35 इधर, तो कितना हो जाएगा, 35 35 70 और 30 100, यानी 1 मीटर, तभी तो जाके आपका 1 मीटर होगा। ऐसे ही 35 इधर 35 इधर किया गया है, तो 35 35 70 और 6.7, तभी तो जाके आपका 6.7 हुआ है। जब इस वॉल का वृत्त लिया गया है कितना लिया गया है, देखिए 1 मीटर लिया गया है, कितना लिया गया है, 1 मीटर, यानी इस वॉल का जो वृत्त लिया गया है 1 मीटर लिया गया है, यानी यहां से 35 सेंटीमीटर इधर और 30 सेंटीमीटर ये है आपका और 35 सेंटीमीटर इधर, तो 35 35 70 और 30 कितना हो गया, 1 मीटर। तो ये जो 35 सेंटीमीटर लिया गया है ये शॉर्ट वॉल का लेंथ लॉन्ग वॉल में चला गया, शॉर्ट वॉल का जो 35 सेंटीमीटर लंबाई है वो लॉन्ग वॉल में ऑलरेडी कंसीडर किया जा चुका है। हमारा शॉर्ट वॉल का लंबाई 3.7 मीटर है, लेकिन इस 3.7 मीटर में से जो 35 सेंटीमीटर है इसका लंबाई वो लॉन्ग वॉल में यहाँ कंसीडर हो चुका है, तो दोबारा हम उसे लेने की जरूरत नहीं है। यानी हम क्या काम करेंगे कि यहाँ 3.7 में से 0.35 यानी 35 सेंटीमीटर हमें माइनस करना होगा, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद देखिए अब इसके इधर 35 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेकर के चले हैं मिट्टी खुदाई करते समय, 35 इधर, मैंने कहा ना कि इसके चारों साइड चारों फेस में अंदर हो चाहे बाहर हो 35-35 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेकर के मिट्टी की खुदाई किया गया है, तो 35 हमें प्लस करना होगा यहाँ पर, प्लस 0.35, तो ये प्लस माइनस की वजह से क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो कितना बचा आपका 3.7 मीटर। तो आप एक चीज ध्यान दीजिए, हर एक पर्टिकुलर वर्क में शॉर्ट वॉल का जो लेंथ रहेगा वो 3.7 मीटर ही रहेगा, आई बात समझ में, क्योंकि जैसे जैसे आपका नीचे से ऊपर की तरफ आएंगे आपका ब्रिथ कम होता हुआ चला आएगा। तो जैसे ये लॉन्ग वॉल है, ब्रिथ आपने 35 सेंटीमीटर लिया, फिर ऊपर ब्रिक वर्क में आएंगे और कम हो जाएगा, फिर और कम हो जाएगा, फिर और कम हो जाएगा, ये शॉर्ट वॉल की लंबाई बढ़ती हुई चली जाएगी, लेकिन इसके इधर जो ऑफसेट आप लिए हैं वो भी तो इस तरफ की ओर आएगा, तो जितना ये आपका लॉन्ग वॉल जो है शॉर्ट वॉल में, शॉर्ट वॉल का लेंथ जितना लॉन्ग वॉल में कंसीडर रहेगा उतना ही आपका इधर प्लस रहेगा, तो जितना हम माइनस करेंगे उतना ही प्लस कर देंगे तो वो जीरो हो जाएगा, इसलिए हमारा शॉर्ट वॉल का लेंथ कितना रहेगा, 3.7 मीटर हमेशा वही रहेगा। ठीक है, देखिए पहले यहाँ 1 मीटर है, फिर 0.8 है, फिर 0.7 है, फिर 0.4 है, फिर 0.3 है, कहने का मतलब ये है कि ये जो लॉन्ग वॉल है पहले इतना ब्रिथ लेके चले, फिर और कम आएंगे, फिर और कम आएंगे, फिर और कम, लास्ट में 0.3 आ जाएंगे, तो इधर से ये लंबाई इधर की तरफ आएगा तो शॉर्ट वॉल का लेंथ आपका बढ़ता चला जाएगा, लेकिन इसके इधर जो ऑफसेट लिया गया है वो भी इस तरफ आएगा, तो जितना ये लंबाई इधर आएगा उतना ही लंबाई ये भी पीछे की तरफ आएगा, तो लंबाई आपका 3.7 मीटर ही रहेगा, लंबाई में आपके कोई चेंजिंग नहीं होगा शॉर्ट वॉल के लेंथ में, आपको समझ में आ गया। तो चलिए अभी हम सॉल्व करते हैं, लास्ट में मैं एक बार फिर से इस चीज को बताऊंगा कि क्यों शॉर्ट वॉल का लेंथ 3.7 मीटर ही रहेगा, अभी मैं उसको फिगर को थोड़ा सा और इसको बढ़ा दूंगा, बनाऊंगा अच्छे से, फिर आपको और अच्छे से बता दूंगा। तो शॉर्ट वॉल का लेंथ कितना रहेगा, 3.7 मीटर। बी और डी दोनों का सेम है, लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल का बी और डी दोनों सेम है, दोबारा हमें यहाँ क्रॉस सेक्शन में देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर ये हो जाएगा 1 मीटर, ये हो जाएगा 1.1। इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व करते चलेंगे साथ में ही, ये हो जाएगा 6.7 इंटू 1 इंटू 1.1 7.37। एक चीज ध्यान देंगे आप, नंबर्स ऑफ वॉल का भी मल्टीप्लाई आपको करना है, बच्चे यहां भी बहुत गलत कर देते हैं, इन तीनों का मल्टीप्लाई तो करेंगे नंबर ऑफ वॉल का नहीं करते, तो नंबर ऑफ वॉल का भी मल्टीप्लाई आपको करना है, दोनों को प्लस कर लीजिए, तो आपका अर्थवर्क हो गया 15.51 मीटर क्यूब। अब सेकेंड वर्क की तरफ चलेंगे, अर्थवर्क, सॉरी सीमेंट कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन, लॉन्ग वॉल, लॉन्ग वॉल कितना है आपके पास, 1, तो सीमेंट कंक्रीट का लेंथ वही रहेगा जितना अर्थवर्क में है, क्यों, क्योंकि जितना अर्थवर्क किया गया है पूरे लेंथ में सीमेंट कंक्रीट किया गया है, तो ये 6.7 रहेगा, ब्रिथ 1 मीटर रहेगा, केवल इसका डेप्थ कम हो जाएगा, डेप्थ कितना है सीमेंट कंक्रीट का, 0.3 मीटर। शॉर्ट वॉल में, शॉर्ट वॉल नंबर ऑफ वॉल 2 है, लेंथ 3.7 है, बी 1 है, डी कितना है 0.3, बी और डी तो दोनों का सेम रहेगा, आपको मैंने बता ही दिया ये चीजें,
दोनों को प्लस कर लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं हम ब्रिक वर्क की तरफ, ब्रिक वर्क की तरफ। ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन, नंबर ए लॉन्ग वॉल। अब देखिए जब लॉन्ग वॉल का हम ब्रिक वर्क निकालेंगे ना, तो इसमें तीन ऑफसेट हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तो तीनों ऑफसेट का निकाल लेंगे एक साथ। फर्स्ट ऑफसेट, सेकेंड ऑफसेट एंड थर्ड ऑफसेट। नंबर ऑफ वॉल कितने हैं, तीनों में एक एक है। लॉन्ग वॉल में नंबर ऑफ वॉल कितने हैं, एक। अब यहां आप ध्यान से समझेंगे कैसे मैं करूंगा, इसको हटा दीजिए यहां से। अब हमें लेंथ निकालना है किसका, फर्स्ट ऑफसेट का। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफसेट में जाएंगे और देखेंगे ब्रिथ कितना है, 0.8। तो इस 0.8 में से आप क्या माइनस कर देंगे, 0.3, तो ये हो जाएगा 0.5। यही 0.5 ऑफ लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल में प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 6.5। फिर से समझिए, जो आपका पर्टिकुलर वर्क है यहां पर फर्स्ट ऑफसेट, इसका ब्रिथ ले लीजिए, इसके ब्रिथ में से आप माइनस कर दीजिए 0.3, आ गया आपका 0.5। इसको प्लस कर दीजिए लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल में, आ गया 6.5। ब्रिथ कितना है, 0.8। डेप्थ कितना है, 0.2। ऐसे ही सेकेंड ऑफसेट में, सेकेंड ऑफसेट में क्या करेंगे, सेकेंड ऑफसेट का ब्रिथ कितना है, 0.6 मीटर। इसमें क्या माइनस करेंगे, 0.3, तो ये हो जाएगा 0.3। यही 0.3 आप लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल में प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 6.3 मीटर। तो लेंथ हो गया 6.3, बी और डी क्रॉस सेक्शन से देख लीजिए, ये है 0.6 और हाइट है 0.2। इसी प्रकार थर्ड ऑफसेट में, थर्ड ऑफसेट का बी कितना है, 0.4, तो 0.4 में से क्या माइनस करेंगे, 0.3, तो आ जाएगा 0.1। यहां प्लस कर दीजिए 0.1 तो हो जाएगा 6.1। बी कितना है, 0.4, डी कितना है, 0.4। इसी प्रकार हम शॉर्ट वॉल में चलेंगे। अब देखिए शॉर्ट वॉल में आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, मैंने आपको समझा दिया कि हर एक पर्टिकुलर वर्क में आपका लेंथ सेम रहेगा, ठीक है। तो अब हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इसे बहुत सिंपल तरीके से लिख लेंगे, इसमें आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आप क्या काम करेंगे, देखिए शॉर्ट वॉल में नंबर ऑफ वॉल कितने हैं, 2, 2 और 2, ठीक है। मैंने आपसे कहा ना लेंथ सब में सेम रहेगा, शॉर्ट वॉल में लेंथ कितना है, 3.7 आपका। और बी और डी जो लॉन्ग वॉल का है वही शॉर्ट वॉल का है, तो यही हम देख के यहां पे लिख लेंगे, ये बी है ना, बी देख के यहां लिख लीजिए आप, 0.8, 0.6, 0.4, और ये डी भी देख के लिख लीजिए, इन सबको कैलकुलेट कर लीजिए अब आप, है ना। कितना सिंपल तरीके से लगा दिए, है ना, ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता आपको नहीं है। अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये होगा 6.5 इंटू 0.8 इंटू 0.2, कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही सकते हैं, गलत भी हो सकता है तो आप चेक कर लेना इसे,
ये टोटल हो गया आपका 6.028। अब जैसे तीन ऑफसेट का निकाल दिए वैसे ही चौथा ऑफसेट, लेकिन इसको हम क्या लिखेंगे, सुपर स्ट्रक्चर, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। लॉन्ग वॉल, लॉन्ग वॉल कितना है, एक। अब लेंथ कैसे निकालेंगे, देखिए इस चौथे ऑफसेट का बी कितना है 0.3, और 0.3 में से 0.3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो क्या बचेगा आपका, यहाँ पर 0.0 जब प्लस करेंगे तो 6 मीटर ही आएगा आपका। ये हो गया 6 मीटर, बी कितना है 0.3 और डेप्थ कितना है 3.5 मीटर। शॉर्ट वॉल, नंबर ऑफ वॉल दो है, लेंथ 3.7 मीटर रहेगा, बी और डी दोनों का सेम रहेगा। सॉल्व हो गया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आया होगा, ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ा ना आपको। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इस थ्री वॉल के का एस्टीमेटिंग हमने कर दिया, यानी तीन दीवार बना हुआ है तो इसका एस्टीमेटिंग हमने कर दिया। तो अब आपको मैंने क्या क्या बता चुका हूँ, एक सिंगल वॉल का, फिर डबल वॉल का और फिर ट्रिपल वॉल का। अब हम एक वॉल और बना देंगे तो क्या हो जाएगा, सिंगल रूम, एक कमरे का आपका एस्टीमेटिंग फिर हो जाएगा वो, ठीक है। फिर दो कमरे का बता देंगे, लेकिन उससे पहले और भी कई सारे सेक्शन होते हैं, जैसे आपका आई सेक्शन हो गया, एल सेक्शन हो गया, ये इसको बोलते हैं यू सेक्शन हो गया, या इसे चैनल सेक्शन भी बोलते हैं। फिर टी सेक्शन बताएंगे, फिर एच सेक्शन बताऊंगा आपको, फिर एक आई सेक्शन बताएंगे जिसमें फ्लेंज और वेब सब होगा। तो इस टाइप के कई सारे सेक्शन होते हैं, वो मैं आपको एस्टीमेटिंग बताऊंगा। धीरे धीरे आपको मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है दोस्तों। आपको क्या करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, शेयर करना है, ठीक है। उन दोस्तों, अपने अपने दोस्तों को, सबके पास पहुँचाइए इस वीडियो को, ठीक है। मैं आप लोग के लिए इसे बना रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे और इसका आप लोग पूरा पूरा फ़ायदा उठाइए, क्योंकि ये एस्टीमेटिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सिविल इंजीनियरिंग के लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। और आप SSC JEE का जो सेकेंड पेपर आप देंगे वहाँ